में अगर 2 GB है तो दूसरे में 2 GB ही जाएगा, पैरेलल इक्वेशन होना चाहिए। हाँ, अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से सीपीयू में 4 GB का रैम लगा हुआ है तो ना आप 1 लगा सकते हैं, ना आप 2 लगा सकते हैं, ना 5 लगा सकते हैं, 5 आता भी नहीं है। आपको हर हालत में लगाना क्या पड़ेगा, 4 ही, क्योंकि ये पेयर में चलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक इस तरह से कि अगर किसी की एक आंख में कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा कि आप अपना आंख किसी से डोनेट करवा के कर लीजिए, इसलिए क्योंकि दुनिया में 1 महीने का बच्चा हो तब और 80 साल का बूढ़ा हो तब सबकी आंख एक जैसी होती है। यस, पैदा लेने से मरने तक आंख की साइज नहीं बढ़ती, यही एक बॉडी पार्ट है हमारा, बाकी हर चीज घटती बढ़ती हो सकती है। आंख जो बच्चा पैदा लिया है और एक आदमी 90 साल का मर रहा है, दोनों की आंख का साइज सेम होगा, पलक के हिसाब से लगता है कि आंख छोटा या मोटा है। दूसरा एक और चीज आपको समझा देता हूं, सिखा देता हूं, शायद जवाब नहीं होगा। बॉडी का, हमारे ह्यूमन बॉडी का, को हर जगह, हम जो नाक से सांस लेते हैं, वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है ब्लड के माध्यम से, और हम हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। और आप जानते हैं 30 सेकंड, नॉर्मल इंसान 30 से 35 सेकंड से ऊपर सांस नहीं रोक सकता है, ये बात जानते हैं, लेकिन नाक से ली हुई हवा आंख तक नहीं जाती, तो आंख को ऑक्सीजन कहां से मिलता है? यस, अपनी नॉलेज थोड़ी से चेंज कीजिए। हम नाक से सांस लेते हैं तो अंगूठे तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा एकाएक जरूरत पड़ती है और हम लंबी सांस लेनी पड़ जाती है हमको, मतलब तो अंगूठे तक वह आती है, बिकॉज इसका थ्योरी यही है, आंख खुद अपना ऑक्सीजन वायुमंडल से ले लेती है। सीख लीजिए, आंख ऑक्सीजन बाहर से एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको नाक से ली हुई सांस की जरूरत नहीं है। शायद इसी वजह से आंख आदमी के मरने के 24 घंटे के बाद तक जिंदा रहती है। हाँ, तभी तो अगर मैं मर गया और मैंने अपनी डायरी में लिख के गया हूं कि मेरी आंख इस हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में मैं दान करता हूं, या टाटा मेमोरियल में मैं अपनी आंख डोनेट करता हूं, लोग बॉडी ऑर्गन डोनेट करते हैं ना जी, तो करता हूं, तो आंख 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है। तो हाँ, मरने के, मैंने आदमी के मरने के 24 घंटे के बाद तक जिंदा रहती है, यानी कि 24 घंटे के अंदर में उसको किसी न किसी को ट्रांसप्लांट कर देना पड़ेगा, नहीं तो वो आंख बर्बाद हो जाएगी। तो आंख को रिप्लेस करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी ये बात आपको पता चली है या पहले से जानकारी होनी चाहिए, बाय बॉर्न टू डेथ।